नमस्कार और वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। 8 महीने पहले तक गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, पर तभी एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिसर्च सामने आई और अडानी का पूरा कारोबार महज 3 दिन के अंदर दुनिया में इसे लेकर हल्ला मचा और भारत के भीतर भी। आज सुबह ब्रिटेन से प्रकाशित 2 अखबारों फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्जियन में अडानी ग्रुप को लेकर एक और धमाका किया गया। इसका असर भारत की राजनीति से लेकर शेयर बाजार तक साफ देखने को मिला। माय यंग फ्रेंड्स, टुडे इज इंडीड इंस्पायरिंग। वी आर इन द बिजनेस ऑफ एनर्जी एंड आई मस्ट एडमिट आई हैव नेवर फेल्ट। गौतम अडानी के नक्षत्र 2 तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ उनकी मलकियत दिन दूनी रात चौगनी तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ विवाद है कि एक के बाद एक उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। पहले हिंडनबर्ग का रिसर्च आया था और अब ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आई है जो गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने प्रमुखता से छापी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी से जुड़े लोग ही गुप्त तरीके से अपने ही शेयरों में पैसा लगा रहे हैं। इसमें एक नाम गौतम अडानी के भाई विनोद का है, एक चीनी और एक मिडिल ईस्ट के शख्स का नाम है। OCCRP की इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मॉरिशस के रास्ते लेन देन करने का आरोप है। दावा है कि अडानी ग्रुप से जुड़े लोगों ने अपनी कंपनियों के जरिए अपने ही शेयर खरीदे। 2013 से 2018 के बीच गुपचुप तरीके से लेन देन हुआ। OCCRP का दावा है कि ट्रांजैक्शन डिटेल्स खंगाली हैं, जिसमें विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर खरीद फरोख्त के सबूत मिले हैं। अडानी समूह ने इस खबर का अपनी तरफ से खंडन किया है और बयान जारी किया है। अडानी ग्रुप ने इसे विदेशी मीडिया के एक समूह की साजिश कहा है। हिंडनबर्ग के आरोपों की आग को फिर से हवा देने की कोशिश बताया है और OCCRP ने जो आरोप लगाए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट अडानी ग्रुप के पक्ष में फैसला सुना चुका है। 8 महीने में अडानी ग्रुप के खिलाफ ये विदेशी एजेंसियों की दूसरी रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी ने जारी की थी, जिसके एक झटके ने अडानी समूह को हिला दिया था। लेकिन जब भारत का ये बिजनेस ग्रुप संभलने लगा था तो अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने एक नई रिपोर्ट पेश की है, जिसका फौरी असर अडानी ग्रुप पर दिखने लगा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।